हाँ दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ईमो में नंबर को ब्लॉक कर रखा है और आप उसे चाहते हैं देखना किन किन नंबर को आपने ब्लॉक करके रखे हैं तो कैसे देखेंगे, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही घंटे का बटन दबाकर उसको ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और अपने मोबाइल में हम ईमो एप्लीकेशन को ढूंढेंगे। अगर आपको ईमो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में नहीं मिल रहा है ऐप में, तो यहाँ पे सर्च फॉर यहाँ पे ऐप लिखा है लोकल ऐप, तो सिंपली हम ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम लिख लेंगे उस ऐप का। तो यहाँ पे जैसे नाम लिखेंगे आपके सामने जल्दी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा उस नाम के। तो यहाँ पे ईमो एप्लीकेशन आ चुका है, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ईमो एप्लीकेशन ओपन हो चुका है हमारे फ़ोन में, आप जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपके सामने क्या करना है, आपको आप जिसे ब्लॉक करके रखा है उसे देखना चाहते तो यहाँ पे ईमो एप्लीकेशन में एक प्लस का आइकन दिखेगा आपको, यहाँ पे प्लस, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे नीचे मोर लिखा हुआ है, इस पर मोर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सामने यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगा और आपको मोबाइल नंबर शो होगा और यहाँ पे नीचे सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा और आपको नीचे में यहाँ पे मिलेगा प्राइवेसी लिखा हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो प्राइवेसी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और नीचे में आपको प्राइवेसी का पेज ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लॉक एट कॉन्टैक्ट। तो चलिए हम यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उस जो ना बंदे को आपने ब्लॉक करके रखा है उसका नाम यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे प्रोफाइल जो भी उसने लगाया है यहाँ पे शो करता है। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉक ना कॉन्टैक्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर अनब्लॉक लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पूछेगा आपसे कि अनब्लॉक इस अब वो उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते तो अनब्लॉक पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं निकालना चाहते तो आप कैंसिल के ऊपर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे अनब्लॉक पे क्लिक कर दूँगा और इस तरह से अपने ब्लॉक लिस्ट को आप कॉन्टेक्ट को